हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घिये के कोफ्ते। ये हम बनाएंगे चाय के साथ। सबसे पहले लेंगे 1 कप घिया, कद्दूकस किया हुआ। उतना ही हम बेसन ले लेंगे 1 कप। अगर हम सब्जी बनाते हैं तो मसाले कम डालते हैं। ये हम बनाएंगे चाय के साथ नाश्ता, तो इसमें हम मसाले तीखा भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये डाल दिया हमने, अदरक ग्रेट किया हुआ, और अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये डाल देंगे काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, इससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है। हल्दी हम डालेंगे कलर के लिए। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, जितना आपको तीखा पसंद हो। और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। घिये के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने जब इसको कद्दूकश किया था तो इसका पानी निकाल दिया था, इसको निचोड़ दिया था अच्छे से हाथ से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी यूज किया है, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसमें। थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड किया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसकी बाइंडिंग करके देखेंगे कि हाथ से ये इसकी बॉल्स अच्छे से बन रही है कि नहीं। ये देखिए, इसकी बॉल्स अच्छे से बन गई है, ये बाइंडिंग हो रहा है अच्छे से। अब बॉल्स हम बना के सारी रेडी कर लेंगे एक साथ। ये देखिए, ये सारी बॉल्स बना के मैंने रेडी कर ली हैं। तेल को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे हम, और थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर ऐसे ऑयल डालते रहेंगे जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। अब ये देखिए, कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।